भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तर से मध्य भारत तक बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तर पूर्व भारत में भी हल्की बारिश हो सकती है। IMD का कहना है कि मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में रविवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही बिजली गिरने और गरज के साथ छुटपुट बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसका असर समूचे उत्तर भारत समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा। इन इलाकों में सोमवार से अगले दो दिन तक बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। इससे दिल्लीवासियों को सूरज की तेज तपिश से राहत मिलेगी। राजस्थान में भी रविवार से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस कारण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 23 मार्च तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। ये सर्कुलेशन 24 मार्च तक हरियाणा की ओर रुख करेगा। मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना कायम है। इसके अलावा मध्य भारत में 22 और 23 मार्च से बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश सोमवार सुबह से शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे पश्चिमी हिमालयी राज्यों के अधिकांश हिस्सों में बारिश बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तीन दिनों से लगातार शाम को तेज हवा चलने के साथ बारिश हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में ऐसे ही मौसम के बने रहने की आशंका जताई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।